गाइस, तो इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं कंट्रास्ट में फ्लावर्स विंका के हाइब्रिड वैरायटी के। तो दूसरे कलर्स तो सारे लगे हुए हैं, ये वाले भी थे जैसे लास्ट वीडियो में बता रही थी कि कोई ले गया था मेरे से ये वाले मजेंटा कलर, रानी कलर कहते हैं जिसे, और वाइन शेड है एक्चुअली, कुछ मर्जी कह लो अपनी अपनी लैंग्वेज में। और ये प्योर वाइट, और उधर भी प्योर वाइट पड़ा एक और एक लाइट शेड है, लेकिन लाइट वाला इसमें नहीं लगाऊंगी, इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी मैं, वाइट एंड मजेंटा। तो दूसरे लगे हुए हैं वो बड़े पॉट्स में लगे हुए हैं, तो ये हाइब्रिड विंका है, तो इसकी ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं होती है, तो छोटे पॉट्स इसके लिए सफिशिएंट रहते हैं। तो इस पॉट में लगाने जा रही हूँ। आप ही लगाने लगे हो, मेरी हेल्प करने लगे हो। तो देखिए इसको यहाँ मिट्टी नहीं बेटे, नो ऐसे काम नहीं, नो। और इसको यहाँ दो इसमें मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं, और अब इसमें डाल दें हम सोइल, तो जो दूसरे पॉट में से निकाली थी नीचे से, इसमें तो ऊपर ही आनी है, उसने एक लेयर इसकी बन जाएगी। और इसको थोड़ा सा इस साइड भी डाल देते हैं, थोड़ी सी इधर, और बहुत ज़्यादा मैं जैसे आपको भी बता रही हूँ इनकी ना ही इसकी रूटिंग बहुत डीप जाती है, जाती है, लेकिन जो देसी वाली होती है वो बहुत बड़े प्लांट्स हो जाते हैं हाइट के, तो एज़ कम्पेयर टू दिस टू दैट प्लांट्स, तो इतनी इसकी रूटिंग नहीं होती है गहरी, और ना ही इसकी हाइट उतनी बढ़ती है। तो थोड़ी देर मतलब ये हाइब्रिड होते हैं और ड्वार्फ वैरायटी समझ लो एक काइंड ऑफ, तो काफ़ी इसी मतलब थोड़ी इससे तो ऊँची हाइट होगी इसकी। और देख रहे हैं वाइट एंड मजेंटा बहुत ही प्यारे लगेंगे। और दूसरे में मेरे 6-7 कलर्स हैं, मतलब कि कोई एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि थोड़ा सा कोई लाइट कोई डार्क, ये मजेंटा और वाइट मेरे सारे ले गया था कोई। तो एक्चुअली मैंने रिपोर्टिंग की थी जिस दिन, मैं कह रही थी ना आपके, तो आपने मेरी वो वीडियोज़ देखी होंगे, उस दिन भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, मोर देन 100s, तो इतने मैंने प्लांट्स लगाए उस दिन। तो उस दिन बस पॉट्स में लगाती हटी हूँ, तो इतने में ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा जी ले जाओ, आप ले जाओ, कोई बात नहीं। तो देखिए बस इसमें वाटरिंग करनी है जस्ट, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये हाइब्रिड विंका तो होनी चाहिए। एक तो ये बहुत हार्डी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के बजाय, जैसे कि वो हो गया, चाहे वैसे सभी प्लांट्स की अपनी अपनी ब्यूटी है, चाहे वो कॉस्मोस हो गया, कॉस्मोस 3 कलर्स में आता है एक्चुअली, येलो ऑरेंज एंड रेड सा कलर होता है, मतलब कि कोरल शेड कह सकते हो आप, रेडिश सा होता है थोड़ा वो कलर आता है। फिर आ गया उसके बाद कौन सा है यार, ये जिनिया, जिनिया ये है कि बहुत लंबा टाइम एक प्लांट नहीं निकालता, और मोस्ट रोज होगी दोपहर के लिए, पोर्चुला का गोम्फ्रीना और ये विंका, ये इतने हार्डी प्लांट्स हैं ना समर्स के लिए बहुत ज़्यादा। ग्लाडिया भी है, वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लारिंग करता है, लेकिन विंका इनमें से सबसे बेस्ट, सबसे हार्डी प्लांट, इसमें कोई इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है, प्लांट बढ़ता जाएगा फैलता जाएगा, कोई इसमें इतनी पिंचिंग की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसमें सीड्स भी बनते हैं तो वो सेल्फ ही अपने आप प्लांट्स होते ना, सेल्फ ग्रोइंग वो प्लांट्स और भी ग्रो होते रहते, तो प्लांट्स पॉट्स, बेटे इधर सोफ़ा लगा हुआ है, पॉट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे पहले जैसे कि ये पड़े हैं वो गोम्फ्रीना, मैंने 4 पर्पल लगाए हैं, उससे पहले वाइट भी पड़े हैं मेरे पास, और ये हैं बेबी पिंक और ये वाइट वाले, वो तुलसी के भी अभी हम करेंगे। तो इसी में देख लो इतनी सी सॉइल में सैपलिंग में ये फ्लारिंग आई पड़ी है अभी, तो ये भी देखो वैसे ही मैं ले आई हूँ, ये 20-20 के और 20-20 के मिले मुझे ये, तो ये देखो ये जो सैपलिंग है, सैपलिंग में भी इवन की फ्लावर बने हुए हैं, देखो ये देखिए विंका की, तो ये भी बस एक थोड़े दिनों में इतनी फैल ही जाना था इसमें भी, चलो कोई बात नहीं वो तो ले आए, लेकिन मुझे कलर ये वाले चाहिए थे, मजेंटा प्लस वाइट। ये सैपलिंग्स में कहीं में फूल आते हैं तो दिख जाते हैं, नहीं तो कहीं में पता नहीं चलता भी कौन सा कलर है, उधर से ना बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा, और छिपकली भी चली जाती, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया था।
चलो जी अब इनके बाद फिर हम दूसरे पोर्स लेके आऊँ मैं बाहर से और इन सभी की रिपोर्टिंग करें अब हम। और गाइज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको सीजनल की प्लस परमानेंट। चलो आप भी करो, आप से भी लगवाती हैं, ये लो स्पाइडर प्लांट्स, ये लो ये वाले बाहर लगा के आएंगे, ठीक है। ये क्या है? स्पाइडर प्लांट है। मम्मा मुझे बच्चे चाहिए। मैं देती हूँ एक मिनट रुको, नहीं मैं पी जानती सी, एक मिनट रुक जाओ। तो नोट कमेंट्स भी कीजिए अच्छे अच्छे और फिर और वीडियोस में मिलती हैं जी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय कर दो गाइस को, बाय गाइस, बाय बाय। मम्मा मिट्टी दे दो। देती हूँ।